कर्नाटक राज्य के चिक्कोड़ी के आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज की ओर से अमरावती शहर के राजकमल चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल विरोध मार्च निकाला गया। इस समय जैन बंधुओं एवं व्यापारियों ने अपने सभी प्रतिष्ठान शाम 4 बजे तक बंद रखे। आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की हत्या कर उनके शरीर के 9 हिस्से किए गए, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। देश में मीडिया चुप है। इस तरह जैन धर्म मंदिरों साधु संतों पर हमला किया जा रहा है। उनके विरोध में संपूर्ण जैन समाज की ओर से यह मार्च निकाला गया। इस मार्च में पदयात्रियों ने सफेद कपड़े पहनकर हिस्सा लिया। जय जैनेन्द्र आप सभी को। मैं मोनिका जैन, हम महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमने आज का जो सकल जैन समाज ने जो मोर्चा निकाला है उसका एकमेव हेतु है जो कर्नाटक में चिक्कोड़ी गांव के एक दिगंबर मुनि के बहुत ही घनघोर निर्दयी निर्मम तरह से हत्या की गई है, जो कि हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। मतलब टॉलरेट करने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो नारा है एक ही होता है कि खुद भी जियो औरों को भी जीने दो। और हमारे मुनियों का हमेशा संदेश रहता है सबको देना या फिर सबको अहिंसा के पथ पर ले जाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कृत्य होता है अगर जैन समाज में, तो हम रास्ते पे उतरने पे मजबूर हो सकते हैं। चाहे कितना भी शांति प्रधान समाज क्यों ना हो, हम यहाँ से लेकर कहीं तक भी जा सकते हैं। मतलब अगर अभी अमरावती का ही बात ले लें, कहीं अगर मूर्ति भी स्थापित होती है तो उसको लेकर या फिर हनुमान चालीसा को लेकर अगर इतना बड़ा बवाल हो सकता है, तो मुनियों की हत्या पर आज पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र शांत क्यों है? तो यही हमें कहना है, इसलिए हम रास्ते पे उतर आए हैं। अभी भी हमें अगर न्याय नहीं मिला, जो क्रिमिनल है उनको अगर सजा नहीं मिली, उन्हें फांसी की सजा नहीं मिली या फिर इसके जड़ तक नहीं पहुँचा गया, तो सारा समाज एकजुट होकर कुछ भी कर सकता है या फिर देश को भी पीछे पूरा हिला सकता है। यही विनवणी करनी चाहूँगी कि सरकार प्लीज इस ओर ध्यान दे और सभी जागरूकता बढ़ाए। जे कर्नाटक मध्ये काम कुमार नंदी जी जैन मुनि आहेत त्यांची निर्गुणपणे हत्या करण्यात आली, त्यांचे तुकडे घेऊन त्यांचे शव फेकण्यात आले, त्याच्या निषेधार्थ आज सकल जैन समाज अमरावतीच्या वतीने राजकमल चौक ते कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर साहेबांना आम्ही ज्ञान निवेदन दिले की आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी व त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी, याकरता सकल जैन समाज अमरावती व संपूर्ण भारतामध्ये आज 20 तारखेला मोर्चाचं आयोजन केलं होतं, त्याकरता या मोर्चाचे आयोजन झाले होते।